तो देखते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन कब तक पूरी होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके की आप लोगों के लिए चिट्स भी उठाऊंगी इस बार इस कार्ड्स के साथ। तो यहाँ पे दो पाइल आपको नज़र आ रहे हैं, पहला पाइल है पाइल येलो और दूसरा है पाइल पिंक। तो आप लोग चूज़ कर लीजिए कि कौन सा कलर आपकी तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल येलो या पाइल पिंक, पाइल पिंक या पाइल येलो। और साथ ही साथ फिर ये चिट्स एंड में उठाएंगे, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो देखते हैं किस किस ने पाइल नंबर वन चूज़ किया था, यानी कि येलो पाइल। इसको अपन बाद में चेक करेंगे, इसको पीछे रख देते हैं। सबसे पहले कार्ड्स देखते हैं येलो के क्या कार्ड्स आए हैं। आई हैव पावर टू क्रिएट चेंज इन माई लाइफ, आई मेक सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके, ऑल इज वेल, वेरी गुड एनर्जी पाइल नंबर वन वालों। माई कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, आई लव माई सेल्फ फुली, आई लेट गो। दो मैसेजेस कार्ड भी देखते हैं। अबंडेंस, डोंट वरी। देखो तो जो पहला कार्ड आया है, जो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाइल वन जिसने कि ये येलो कार्ड येलो पेन चूज़ किया था, तो उनका तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप सेल्फ लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में किसी न किसी सिचुएशन में स्टक हो, तो आप सेल्फ लव को जितना ज़्यादा मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, वो उतना ही शायद आपसे दूर हो रहा है, आप खुद से कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो। लेकिन आपके पास जब ये वाली पावर आ गई है, क्या है पावर टू क्रिएट चेंज इन माई लाइफ, तो आप इस चीज़ के ज़रिए ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन में ईजिली चले जाओगे। कि आपको शायद कहीं ना कहीं आपके आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि पीपल अराउंड मी का कार्ड आया है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ लव में एक तरीके की ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो वो चीज़ बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग विल बी गुड, जस्ट टेक इट अ चैलेंज। आप ये चैलेंज लेके देखो, और जो ये लोग हैं जो आपके आसपास है, जो आपको नेगेटिव सिचुएशन दे रहे हैं, आपको उन्हें ज़्यादातर सर्व नहीं करना है। सर्व इन द सेंस, जो लोग आपको बहुत नेगेटिव इमोशन दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हें आंसर ही देना है, ठीक है। आपके एक्शन ही उनका आंसर दे सकते हैं, इसलिए साइलेंस रहो। जिनको लोगों को जो कहना है, लोगों का काम है कहना, तो वो कहते ही रहेंगे। आपको कंट्रीब्यूट करना है अपने ऊपर, आपकी जो दुनिया है आपको उसमें सेल्फ लव करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक और कार्ड आ गया है अबंडेंस का, तो जैसे ही आप सेल्फ लव करोगे, कहीं ना कहीं आपके पास फाइनेंशियली जो आपकी कंडीशन है अभी, वो बहुत लो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अबंडेंस का कार्ड आया है, इट मीन्स कोई ना कोई मिरेकल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। और डोंट वरी, यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर यू। जब यहाँ पे डोंट वरी का कार्ड आ गया है, तो ये वाले लोग जो आपको नेगेटिव सिचुएशन दे रहे हैं, उन्हें ईजिली आपको लेट गो करना होगा। और आप ये लेट गो कैसे कर पाओगे? पावर ऑफ सेल्फ लव, आई हैव पावर टू क्रिएट चेंज इन माई लाइफ। आप जितना सेल्फ लव करोगे, उतनी ही चीज़ों को आप ईजिली आसानी से चेंज कर पाओगे। और जब आपके पास पावर है, तो सेल्फ लव में आप आ जाओगे। तो डोंट वरी, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अबंडेंस कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो मुझे मैनिफेस्ट होती नज़र आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ देखते हैं कि अब क्या कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स के ज़रिए, ठीक है। आपके लिए आया है बेसिक टिप्स फॉर मैनिफेस्टेशन। शायद आपको कुछ बेसिक टिप्स जानने की बहुत ज़रूरत है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो देखो, सबसे बेसिक चीज़ है आपके लिए, अगर सेल्फ लव आ रहा है और क्रिएट आ रहा है, तो आप सबसे पहले पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। आई एम द बेस्ट, यू कैन क्रिएट एनी थिंग, अबंडेंस इज ऑलवेज अराउंड मी, मेरी ज़िंदगी में पैसा बढ़ती मात्रा में आ रहा है, और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये जानकारी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर वन। और अब बात करते हैं पाइल नंबर टू वालों के लिए कि क्या आया है। ओके, तो जिसने ये पिंक पाइल चूज़ की थी, अब बारी आती है उसके कार्ड्स की। आई एम ब्लेस्ड, काम, हैप्पी एंड जॉयफुल। वेरी गुड,
am surrounded myself with positive people. I can choose to see good things. I am in control. I know exactly what to do to achieve success. My life gets better as I get older. दो मैसेजेस कार्ड भी हैं, वो भी देख लेते हैं. कंपैशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी. तो पाइल नंबर टू, जिन्होंने पिंक कलर का पेन चूज़ किया था, श्योरली नज़र आ रहा है कि आप लोग सेल्फ लव से भरे हुए हो, तो ये बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो जिस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है, आप लोग अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अपनी लाइफ में एक बदलाव चाहते हो, आप अपनी लाइफ को एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि एक कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो कार्ड में, तो आपका जो व्हील है फॉर्च्यून का वो अब घूमने वाला ही है, क्योंकि आप अपने आसपास जो पॉजिटिव लोग हैं उनको ज़्यादा रख रहे हो. आपके जो टॉक्सिक लोग हैं, जो टॉक्सिक फ्रेंडशिप में आते हैं, उनको आपने अपनी लाइफ से अलग कर दिया है, ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्ड्स यही कह रहा है, आई कैन चूज़ टू सी द गुड थिंग्स. ठीक है, तो आप चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं. अब जो गलत चीज़ें भी हैं, जो नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, आप कहीं ना कहीं उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, और यही मेन चीज़ आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेने आने वाला है. तो आई थिंक आप ट्रांसफॉर्मेशन ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक पॉजिटिव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो. और कंपैशन कार्ड का आया, हेल्प समवन हु आर नीडेड, तो जिसको भी आपकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उसकी हेल्प कर दीजिए. और आई एम इन कंट्रोल ऑफ हाउ आई रिएक्ट टू अदर्स, आपको ये चीज़ भी सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ रही है पाइल नंबर टू वालों. तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, हर चीज़ में रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता है. वर्ड्स ना रिएक्ट आपका एक्शन नहीं डिफाइन करते हैं. आप जो क्या चाहते हो, वो सपने, आप अपने सपनों के जरिए लोगों का मूव बन कर सकते हो. आप सक्सेस को चाह रहे हो, क्योंकि आई नो एग्जैक्टली वॉट टू डू अचीव सक्सेस, आई विल चेंज माई ड्रीम इन टू रियलिटी. आप कुछ ना कुछ रियलिटी चाहते हो, आप कुछ ना कुछ ड्रीम देख रहे हो जो आपका मैनिफेस्ट होने ही वाला है. तो वो कब मैनिफेस्ट होगा, जब आप कोई तो है देखो जो आपकी हेल्प चाह रहा है, तो आप उससे पूछो कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और आप एक हैप्पी सोल हैं, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, लोगों की किन बातों पे रिएक्ट करना है और किन बातों पे रिएक्ट नहीं करना है. ये पाइल नंबर टू आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो, मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है. और जहाँ तक मैं ये जान पा रही हूँ कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप एक बहुत बेटर लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं अपनी सक्सेस को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. तो यही मुझे नज़र आ रहा है कि सक्सेस आपकी लाइफ में अब आने ही वाली है. बाकी के अपन इससे आंसर देख लेते हैं कि क्या चीज़ है आपको एंड में जानने के लिए. फोर्थ स्टेप ऑफ एलओए, If I am bored, मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मेथड है वो यूज़ कर करके बोर हो रहे हो. लेकिन मैं आपको ईजिली फोर स्टेप बताऊँ, ग्रैटिट्यूड, यही चार स्टेप है. जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे ना अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को लेके, अपने पहनावे को लेके, अपने लुक्स को लेके, अपने हाइट को लेके, अपने वेट को लेके, जितना आप ग्रेटिट्यूड रहोगे आपकी लाइफ ईजिली ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आ जाएगी. सो यही था पाइल टू वालों, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है. सो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन. अगर रीडिंग आप लोगों के साथ मैच करें, सो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर लिखना. तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू सून इन माई नेक्स्ट video guys.